पाकिस्तान में इमरान खान का बड़ा दांव सामने आ गया है। चुनावी धांधली के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सिंध प्रांत में बड़ा प्रदर्शन किया गया है। सड़कों पर पाकिस्तान की जनता उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के पीछे इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई बताई जा रही है। उसके समर्थक हजारों की तादाद में इस तरह सड़कों पर उतर आए हैं। सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है। तो नवाज को चकमा, लेकिन इमरान करेंगे करिश्मा, क्या ऐसा होगा? क्योंकि हर पल तस्वीर बदल रही है पाकिस्तान में चुनाव होने के बाद, चुनाव परिणामों के बाद इमरान की सियासी चाल भी कल देखने को मिली, जब उन्होंने नवाज जरदारी को कमजोर करने की कोशिश की। और किस तरह से कोशिश की कि एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की। इमरान की ये कोशिश है कि किसी भी सूरत में सरकार न बन पाए नवाज शरीफ और जरदारी की। जेल में बंद इमरान फिलहाल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रभावी हैं और इसीलिए बड़े स्तर पर पीटीआई समर्थक जीते हैं। सेना आईएसआई के साथ इमरान खान के नए समीकरण बन रहे हैं। अब ये भी खबर मिल रही है कि सेना को अचानक शायद पसंद आने लगे हैं इमरान खान। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान आईएसआई के बीच डील होने की खबर है। आईएसआई के अफसरों की इमरान से हुई बातचीत, जेल में हुई बड़े अफसरों की बातचीत, इमरान के लिए सेना ने भी मन बदला है। देखिए अब सेना का भी मन बदलता हुआ इमरान खान के लिए दिखाई दे रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। और आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि कैसे सेना के किस अफसर ने इमरान खान से संपर्क किया है। इमरान सेना गठजोड़ फिर रंग लाएगा क्या? देखिए बड़ी बात है, बड़ा डेवलपमेंट है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान से सेना के अफसरों ने संपर्क किया है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल सहर ने इमरान से बातचीत की है। बुशरा बीबी से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने संपर्क किया है। अवैस दस्तगीर आर्मी चीफ असीम मुनीर के बेहद करीब माने जाते हैं और उनके जरिए ही ये संपर्क किया गया है। अब पाकिस्तानी सेना का क्या खेल है? देखिए सब कुछ खेल पाकिस्तान सेना की तरफ से ही होता है, तो क्या खेल है? इमरान से क्या बातचीत मुमकिन है? स्थिरता के लिए सरकार बनने दे, ये एक पहला कोशिश है, खेल हो सकता है। इमरान ने कहा सेना राजनीति में दखल देना बंद करे। इमरान ने कहा पीटीआई के निर्दलियों को तोड़ना बंद करे। ये मैसेज क्लियर है। फिर उसके बाद बुशरा से जो बातचीत हुई, बुशरा बीबी से, सेना कई तरह की राहत देगी, पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बनाने की अनुमति हो सकती है, सुरक्षा की पूरी गारंटी भी सेना की तरफ से दी जा सकती है। तो अगर सेना मान जाए या सेना को पसंद आने लगे इमरान खान, तो फिर बात बन सकती है और इमरान खान एक बार फिर से वजीर आजम बन सकते हैं पाकिस्तान के। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। तो इमरान खान राजनीति में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो वापसी कर लें फिर से, लेकिन अभी भी इस पर क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान है।